सबसे पहली अगर हम बात करेंगे यहां पर तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा बिजनेस प्लानिंग। क्या है, कितने लोगों ने गोवा घूमकर आए हैं, कितने लोगों ने गोवा घूमने का प्लानिंग किया था, मतलब कहीं घूमने जाते हैं तो प्लानिंग होता है, फैमिली के साथ जाते हैं तो प्लानिंग होता है, जब धंधे पे आते हैं तो धंधे का प्लानिंग होता है, कई लोगों का होता है कई लोगों का नहीं होता। चलो करते हैं शुरू, देखते हैं फिर क्या होता है। तो बिजनेस का प्लानिंग इतना ही जरूरी है जितना घूमने का प्लानिंग हम कर लेते हैं। बिजनेस के प्लानिंग के अंदर हम बात करेंगे कि हमें क्या चीजों को समझना जरूरी है। कई बार हम फेल हो जाते हैं क्या करने में, तो इसका उल्टा ये है हम प्लानिंग ही कर लेते हैं फेल होने का। समझ में आया? जब जब आप प्लानिंग ही करने में फेल हो जाते हो, इसका मतलब आपने ये प्लानिंग ही कर लिया है कि आप फेल होने। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसमें आपको समझना पड़ेगा नो प्लान नो डायरेक्शन नो अचीवमेंट। कोई प्लान नहीं होगा तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो कोई अचीवमेंट। अगर आपके पास प्लानिंग होगा तो प्लानिंग होने के साथ भी क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन होने के साथ आपको क्या मिलेगा। तो प्लानिंग बनाना जरूरी है, प्लानिंग हमें बनाना चाहिए। क्या गलतियां कर लेते हैं जब हम प्लानिंग बनाने के लिए बैठते हैं, तो एज अ बिजनेसमैन हमसे जो गलतियां होती है, डोंट इन्वेस्ट टाइम ऑन प्लानिंग। कि जब भी आप प्लानिंग करने का कार्यक्रम लेकर बैठते हो तो कई लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, बोलते फालतू का टाइम कौन बर्बाद करेगा प्लानिंग बनाने के लिए, या प्लानिंग बनाने का भी टाइम निकालना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है, हमें तो रोज काम करना होता है। फिर माइंडसेट हमारा क्या बन जाता है, नो प्लानिंग ऑन पेपर का होता है। फिर प्लानिंग बनाने के टाइम पर हम क्या सोचते हैं टीम को लेकर, कि जो प्लानिंग हमने बना भी लिया है तो हमारी टीम को पता ही नहीं है कि हमारा प्लानिंग क्या है, तो टीम अपनी दिशा में भाग रही है, हम अपनी दिशा में भाग रहे, हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें करना क्या। फिर क्या होता है, अगर प्लानिंग बना भी लिया तो उसका रिव्यू नहीं होता है टाइम पर, पहले महीने में प्लान हो गया सीधे आखिरी महीने में बात होगी, बीच में कभी बात ही नहीं होती, तो आखिरी महीने में पता चलता है कि भाई प्लानिंग तो हमने कोई और किया था, काम हमने कोई और कर दिया, तो रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है, और लेकिंग हो जाता है यहाँ पर सीरियसनेस का। फिर से बात आएगी सीरियसनेस के ऊपर, क्योंकि हमने ये माना है जितने भी बिजनेसमैन बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है साले वो लेजी होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, और ये लेजीपन के कारण उनकी जिंदगी के अंदर क्या हो जाता है, किसी भी चीज को वो सीरियस नहीं लेते, और सीरियस न लेना या सीरियस न रहकर किसी चीज को करना, मतलब आप अपने खिलाफ या अपने आप के साथ दगाबाजी कर रहे हो धंधे में आने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर किसी बैंक से जब आप पैसा लेते हो तो टाइम पर उसको देते हो कि नहीं देते हो, अगर नहीं देते हो तो वो लोग एक्शन लेते, लेकिन आपके धंधे में सबसे बड़े इन्वेस्टर आप ही हो, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा किसने लगाया, तो आपको टाइम पर रिटर्न नहीं मिलता है तो आप ये सोचते हो चलेगा ये महीने नहीं तो अगले महीने। बैंक नहीं चलाती है, वो क्या बोलती है, साहब पेनल्टी लाख से, और हम क्या बोलते हैं, कई बंदो होता है कई बार लेट गो वाला माइंडसेट, चल जाएगा हो जाएगा कर लेंगे देख लेंगे, और यही माइंडसेट कहीं ना कहीं अपना बन जाता है। तो ये चीजें जब हम करते हैं मिस्टेक्स, तो हमें क्या होगा, फिर जो प्लानिंग हमें एक्चुअल में करना चाहिए वो हम कर नहीं पाएंगे। और प्लानिंग हमें करना है पांच चीजों का, कौन से पांच चीजों के ऊपर प्लानिंग करना है, पहले तो गोल प्लान करना है, दूसरा प्लानिंग हमें धंधे में करना है लीगली प्लानिंग, तीसरा प्लानिंग हमें करना है टीम प्लानिंग, उसके बाद प्रोडक्शन और सर्विस प्लानिंग, और उसके बाद टेक्नोलॉजी प्लानिंग। इतनी चीजों का प्लानिंग एज अ बिजनेसमैन हमारे पास होना चाहिए कंपलसरी। देखते हैं वन बाय वन कि गोल प्लानिंग के अंदर क्या होता है। हम सब लोगों ने गोल प्लानिंग किया है स्मार्ट तरीके से, क्योंकि स्मार्ट तरीका होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एस फॉर पैसिफिक, एम फॉर ए फॉर आर फॉर और टी फॉर, तो आपका जो विजन मिशन गोल होता है ना वो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि गुरुकुल का यह दिख रहा होगा, हमारा विजन क्या है, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं 5000 एमएसएमई को 500 करोड़ के अंदर बिफोर 31 दिसंबर 2027। पैसिफिक नहीं है, दूसरा मेजरेबल नहीं होता है, तो ये मेजरेबल है कि 5000 कंपनियों को 500 करोड़ तक लेकर जाना है। उसके बाद बोलते हैं अचीवेबल, तो क्या ये अचीवेबल है, मार्केट के अंदर कोई किसी ने किया हुआ है, तो हाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियां मार्केट में है,
आज के तारीख में, मतलब ये चीज भी पॉसिबल है। उसके बाद देखने जाए तो रिजल्ट फोकस वाला है कि यहाँ ये चीजों को अपने को लगता है कि ये चीजें करने के लिए अपने को एफर्ट करने की जरूरत है। और लास्ट में आता है टाइम बॉन्डिंग, तो टाइम बॉन्डिंग है 31 दिसंबर 2027 से पहले। यस, तो क्या इसी तरीके से आपने अपना विजन प्लान किया हुआ है, ये आपको देखना है। क्योंकि विजन जो होता है वो होता है आने वाले 5 या 10 साल में आप क्या करने वाले हो, एक बड़ा प्लानिंग होता है। जो बड़ा प्लानिंग आप लोगों के माइंड में क्लियर होना जरूरी है, आप अपनी कंपनी को लेकर क्या देख रहे हो और क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के करता हर्ता धरता हो। आपके पास अगर प्लानिंग होगा तो उस प्लानिंग को पूरा करने के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरी चीज जो होती है वो होता है मिशन। विजन का मतलब होता है वेयर, जाना कहाँ है, तो उसी हिसाब से मिशन का मतलब होता है वाई, जिसको हम कहेंगे पर्पस, जिसको हम कहेंगे रीजन, जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्शन। तो यहां पर अगर हमने ये मिशन स्टेटमेंट रखा है तो क्या रखा है, डेवलप सिस्टम एंड मैनेजमेंट इन ऑल अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना है, वो बेड़ा हमने उठाया। तो ये हमारा पर्पस क्लियर है, आपका क्लियर है कि आपने वो चीज बिल्ड की हुई है, वो आपको सोचना है। फिर यहां पर देखना है वैल्यूज एंड बिलीव्स, व्हाट यू विल बी फॉलो। आपके कंपनी का जो कल्चर होगा उस कल्चर में काम करने वाले लोगों का सिम्टम्स क्या होंगे, तो ये सिम्टम्स होते हैं वैल्यूज एंड बिलीव्स के। वी बिलीव इन लर्निंग, कॉन्फिडेंस, एक्सीलेंस, क्रिएटिविटी, एथिक्स एंड कीप ग्रोइंग, ये हमारा है। क्या आपने ऐसी वैल्यू बनाई है कि किसी भी बंदे को जब आप जज करो तो ये चीजें उसको डेवलप करके दो या ये चीजों में उसको आगे बढ़ाओ। और लास्ट में यहां पर रहता है ऑलवेज विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, कभी भी इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको करना नहीं है। और लास्ट में रहेगा टैगलाइन। टैगलाइन क्या रिफाइन करेगी कि आप जो काम कर रहे हो क्या उस काम को आप एक लाइन में बोल सकते हो या एक लाइन में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे गुरुकुल की टैगलाइन क्या है, वी मीन्स हम है तो धंधा, और हम जहां शुरू होते हैं वहीं से बिजनेस शुरू करते हैं, वहीं पे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्या आपने ये अपना बिल्ड किया है, तो आपका भी ये बिल्ड होना जरूरी है, आपकी भी कनेक्टिविटी इस लेवल पर होनी जरूरी है, तब ये सारी चीजें आप अपने लिए बिल्ड कर पाओगे। क्या आपका बना हुआ है विजन मिशन गोल, यस या नो? सेकेंड चीज अब प्लानिंग के अंदर आएगी कि अगर विजन मिशन गोल आपका हो चुका है तो अब लीगली प्रोसेस होगी। लीगली प्रोसेस के अंदर आपको देखना है कि आपकी कंपनी प्रोप्राइटर में है, पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, क्या आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है, क्या आपने अपना जो नाम है उसका लोगो बनाया हुआ है, उसका लोगो का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो वो भी करना पड़ेगा, वो लीगली प्रोसेस में आता है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो उसके बाद GST, गुमस्ता या जो जो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, जितने भी लाइसेंस, तो क्या वो सारे लाइसेंस आपने ले लिए हैं? अगर हाँ तो बढ़िया, नहीं है तो काम कर लो। क्योंकि ये कंपनी की केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, सूरत की। बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे थे जींस टी शर्ट वगैरह के अंदर, और उन्होंने 10-12 आउटलेट्स अपने बना लिए थे हमसे जुड़ने से पहले। लेकिन उनकी दिक्कत ये थी, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो रजिस्टर नहीं करवाया था, और लोगो रजिस्टर न करवाने के कारण उन्हीं के वहां से एक मैनेजर बाहर निकला, उसने ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, उसने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, और रजिस्ट्रेशन करके उसने वही सेम कंपनी के 10-12 आउटलेट खोल दिए। अब अगले को पता ही नहीं है कि ये इनका है कि इनका है, और सेम थीम के ऊपर। अब वो बंदे आए हमारे पास, हमने कहा सर सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, और वो लोगो अब चला गया है दूसरा लोगो करो। तो दूसरा लोगो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने अपने जितने भी सेटअप थे उसको प्रॉपर किए, और अब उनके 12-15 और आउटलेट उन्होंने ओपन किए, और लोगों को वो क्लियरिटी दी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके कि ये हम नहीं है और ये हम है।